सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में। तो आज हम निकालेंगे अपनी हिंदी बुक, हिंदी पढ़ो और सीखो। अपनी हिंदी बुक में पेज नंबर 30 और 31 यानी कि 30 और 31 निकालोगे, ओके? यस बच्चों, इन दोनों पेजेस पर आज हम रु और रू के शब्द पढ़ेंगे, ठीक है? इन पेजेस पर र उ रु और र उ रू इनके शब्द दिए गए हैं और इनसे वाक्य भी दिए गए हैं, आज हम उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 30 पर दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे। र में जब उ की मात्रा या उ की मात्रा लगाई जाती है तब मात्रा र के नीचे न लगाकर उसके अंदर इस प्रकार लगती है। आप देख सकते हैं कि र जो वर्ण है उसकी बैक में उसके अंदर इस तरह से मात्रा को जोड़ा जाता है। र उ रु और र उ रु दोनों ही मात्राओं की बनावट में फर्क है। आप ध्यान दीजिए कि रु की मात्रा जब हम राइट करते हैं तो हुक नहीं बनाते हैं और रु की मात्रा बनाते टाइम हमें प्रॉपर हुक बनाते हुए मात्रा लगानी है, ठीक है? अब हम रु से शुरू होने वाले या रु वाले शब्द पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला शब्द है र उ क रुक। र उ प या रुपया। र उ ई रुई। र उ चि रुचि। र उ क रुक। गु रु गुरु। रु मा ल रुमाल। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं जो डॉटेड राइट किए गए हैं, आपने इन्हें पेंसिल की हेल्प से पूरा करना है, ओके? अब हम रू के शब्द पढ़ेंगे। र ऊ ठ रूठ। र ऊ ख आ रूखा। र ऊ ल र रूलर। रूलर यानि कि स्केल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रूमाल शब्द दिया गया है जो कि गलत है, ये रुमाल होता है, ओके? तो इसे आप अपनी बुक में करेक्ट कर लेंगे, रुमाल। अगला शब्द है रू पा रूपा। शु रू शुरू। तो इस तरह से रूपा और शुरू जो कि डॉटेड दिए गए हैं शब्द, इन्हें भी आपने पेंसिल की हेल्प से पूरा करना है, ओके बच्चों? अब देखिए इनका मीनिंग जान लेते हैं। रुक मीन्स रुक जाना, थम जाना, स्टॉप, ओके? रुपया पैसा मनी। रुई कॉटन। रुचि इंटरेस्ट। गुरु शिक्षक अध्यापक। रूठ जाना रूठ। नाराज हो जाना रूखा रूखा सूखा। रूलर स्केल। रुमाल हैंकी। रूपा किसी का नाम। शुरू स्टार्ट, ठीक है? और अब जो है हम आएंगे पेज नंबर 31 पर। आप देख सकते हैं बच्चों पेज नंबर 31 पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने इन वाक्यों को पढ़ना है, ठीक है? रूपा की
लाल चूड़ी, चूड़ी टूट गई, रूपा की लाल चूड़ी टूट गई, वह रूठ गई, वह रूठ गई यानी कि वह नाराज हो गई। रूपा इस तरह मत रूठ, आ इधर आ, रुक रुक कर मत आ, रुमाल उठाकर इधर आ, नीतू रूखा सूखा खाना मत खा, रुपया उठाकर बाजार जा, रुंझुन रुंझुन पायल बजी, रुंझुन रुंझुन जो है वो पायल बजने की आवाज़ है। ओके, रूपा खुश हुई। अब आप देख सकते हैं आगे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, चित्र पूरा करो और रंग भरो। अब आपने इस चित्र को यानी कि जो भी डॉटेड पिक्चर्स हैं या अक्षर हैं उनको पूरा करना है और इस चित्र में रंग भरना है। आपने पेज नंबर 30 और 31 दोनों को ही पूरा करना है। साथ ही रु और रू से शुरू होने वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।